नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका शेखर। सियासी खेमे में उठा पटक होना आम बात है, जिसकी एक झलक हम महाराष्ट्र में कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 3 सालों में तीसरी राजनीतिक बगावत में ट्रिपल इंजन सरकार बनी है। अब सवाल ये है कि तीनों इंजन एक ही दिशा में कब तक चलेंगे? जब बीजेपी वाली डबल इंजन सरकारें राज्यों में ठीक से ना चल रही हो, तब ट्रिपल इंजन सरकार का भविष्य आखिर क्या होगा? कर्नाटक की तरह चुनाव में जनता ऐसे प्रयोगों को ठुकरा देती है। शिवसेना से एकनाथ शिंदे की बगावत को जनता एक बार नजरअंदाज भी कर दे, लेकिन अजीत पवार की 3 सालों में अपने चाचा शरद पवार से दूसरी बगावत को महाराष्ट्र आखिर क्यों सहेगा? अजीत पवार को एक बार की अलग भी रखे, लेकिन एनसीपी के लगभग सारे दिग्गजों को आखिर क्या हो गया कि वो अमूमन पूरी पार्टी को ही बीजेपी के साथ ले गए? अब तो शरद पवार ही एनसीपी का एकमात्र चेहरा बचे दिखते हैं। आखिर किसका खेल है ये, खुद शरद पवार का या कि मोदी शाह के आशीर्वाद से किया गया देवेंद्र फडणवीस का? चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन किस पाले में जाता दिखाई दे रहा है। एनसीपी के पास विधानसभा में 54 और विधान परिषद में 11 सदस्य हैं। अजीत पवार ने विधानसभा के लगभग 40 और विधान परिषद के 6 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल जैसे 8 दिग्गज कैबिनेट मंत्री बने हैं। लोकसभा के 5 सांसदों में शरद पवार की बेटी सुप्रिया भी शामिल है। लक्षद्वीप के इकलौते सांसद मोहम्मद फैजल भी एनसीपी के हैं, और इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी 3 में से सुनील तटकरे की बेटी अदिति अजीत के साथ चली गई हैं और मंत्री बन गई हैं। अब बचे 2 में से सतारा के श्रीनिवास पाटिल और श्रीरूर के अमोल कोल्हे किस ओर जाएंगे ये अभी साफ नहीं है। राज्यसभा के 4 सांसदों में से एक खुद शरद पवार हैं। उनके बेहद करीबी प्रफुल्ल पटेल अजीत दादा के पाले में हैं। अब बची है केवल 2, फौजिया खान और वंदना चौहान। इस तरह से देखा जाए तो लगभग पूरी पार्टी ही बीजेपी की गोद में चली गई है। अब माना यह जा रहा है कि अजीत पवार पर बीजेपी के डोरे डालने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, एकनाथ शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला अभी स्पीकर के समक्ष पेंडिंग है, और अगर वो अयोग्य घोषित हो जाए तो उनका गुट ही बिखर जाएगा और सरकार संकट में पड़ जाएगी। तो वही दूसरा, चुनाव में शिंदे गुट की सफलता को लेकर बीजेपी आशंकित है। ऐसे में उसे अजीत पवार जैसी बी टीम की जरूरत थी। ये जरूरत अब पूरी हो गई है। दोनों गुटों की नकेल अब बीजेपी के हाथ में है, लेकिन शिंदे गुट और अजीत पवार गुट दोनों की मजबूरियां भी है जो उन्हें बीजेपी के साथ ले गई। दोनों गुटों में ऐसे कई नेता हैं जिन पर ईडी के छापे पड़े हैं, जांच चल रही है, मामले पेंडिंग है। अजीत पवार से लेकर छगन भुजबल तक और हसन मुशरीफ से लेकर धनंजय मुंडे और प्रफुल्ल पटेल तक लगभग सभी दिग्गजों पर तरह तरह की जांच बैठाई गई है। इसलिए वहां डर का माहौल है कि बचे लोगों में से भी पता नहीं कौन कब जांच के दायरे में फंस जाए। ऐसे में कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि हो सकता है कि शरद पवार ने ही जांच से पीछा छुड़ाने के लिए लगभग पूरी पार्टी वहां भेज दी हो। उधर उद्धव ठाकरे गुट में भी वही डर है। खुद उद्धव, संजय राउत, अनिल परब जैसे कई लोगों की जांच जारी है, इसलिए उनके कई लोग टूटकर शिंदे के साथ आ रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि शिंदे गुट भी कब तक बचेगा? अस्थिरता के माहौल में भारतीय राजनीति उखड़ी उखड़ी सी है। महाराष्ट्र की राजनीति ने पूरे देश में हलचल सी पैदा कर दी है। ऐसे में केंद्र से राज्य और राज्य से केंद्र, किसका कहां तबादला होगा और कौन किसके पाले में जाएगा ये तो वक्त बताएगा। राजनीति में तुरुप का पत्ता भी होता है, जो अजीत पवार जैसे लोग समय आने पर खोलते हैं और एक नई राजनीति की शुरुआत करते हैं। हमारी इस खास खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ। नमस्कार।